पूरे भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन के साथ शिखरजी बचाओ आंदोलन का शंखनाद सकल जैन समाज के नेतृत्व में गंजबसोदा में भी किया गया। नगर की ऐतिहासिक जनचेतना एवं प्रतिकार रैली में अपार जनसमूह हाथों में काली पट्टी बांधकर नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ तहसील प्रांगण पहुंचा, जहां स्थानीय SDM के अपन स्थल पर न पहुंचने से जनसमुदाय आक्रोशित हुआ। सकल जैन समाज गंजबसोदा द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ एवं 24 में से 20 तीर्थकर एवं अनंत मुनियों की निर्माण भूमि श्री सम्मेद शिखरजी बचाओ आंदोलन का आयोजन किया गया। इसमें जैन समाज के महिला एवं पुरुष बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। जैन समाज ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है पारसनाथ पर्वतराज, जो कि गिरिडीह जिला झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, को वन्य जीव अभयारण्य एवं पर्यटन क्षेत्र घोषित न करके धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए। पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर शराब एवं मांस की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने लगेंगी। जैन समाज ने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की उक्त तीर्थ स्थल पर मांस एवं मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो एवं जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र श्री सम्मेद शिखरजी तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान एवं पवित्रता नष्ट करने वाले झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय व वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2795 दिनांक 2 अगस्त 2019 को अविलंब रद्द की जावे। विज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंजबसोदा के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार एवं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम सौंपा गया। हमारा शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी, जहाँ से वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त किए और करोड़ों मुनि राजाओं ने द्वारा वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध क्षेत्र को, ऐसे अतिशय क्षेत्र को, ऐसे हमारे प्रमुख आस्था के केंद्र को श्री सम्मेद शिखर जी को भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा 2019 में उसको वन्य परिवहन वन्य अभयारण्य क्षेत्र भी घोषित किया गया है, साथ ही पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। पर्यटन स्थल घोषित करने से वहाँ की शुद्धता को बहुत ही दिक्कत हो जाएगी और इसके कारण से पूरी जैन समाज आंदोलित है। अखिल भारतीय विश्व जैन समाज के नेतृत्व में हम सब लोग आह्वान पर पूरी सकल जैन समाज, सभी वर्ग के सभी जैन समाज उस भारत सरकार और केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं कि इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित ना किया जावे। साथ ही जो पर्वत राज को उन्होंने सिर्फ ये कहा गया कि एक क्षेत्र जो जैन तीर्थ स्थल माना जाता है, जबकि वो अनादिकाल से हमारा तीर्थ क्षेत्र है, उसको उसको पर्यटन स्थल भी घोषित नहीं किया जाए, ये सब रद्द किए जाए और जैन धार्मिक क्षेत्र जैन धार्मिक स्थल घोषित किया जाए, इस बात को लेकर संपूर्ण जैन समाज आंदोलित है। आज अगर इसके बाद हमारी बात नहीं सुनी गई तो आगे बहुत गहरे आंदोलन की हम सब लोग भूमिका रखेंगे और जैन समाज जो कि भारत में सबसे ज्यादा GDP देती है, सबसे ज्यादा टैक्स देती है और सबसे ज्यादा धार्मिक संस्थाएं स्वयं के से बगैर सरकारी अनुदान के चलाती है, इसलिए अगर नहीं होगा तो इन सब का भी हम असहयोग आंदोलन करने की भी हम लोग करेंगे। अगर जहां तक जाना होगा हम अपने क्षेत्र की अस्मिता को बचाने के लिए हम पूर्णतः सक्रियता के साथ पूरी जैन समाज आंदोलित रहेगी। जिला ब्यूरो सचिन दीक्षित की रिपोर्ट।